टीम मोदी में बड़े विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 23,000 करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का ऐलान। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने बनाया 9 महीने का प्लान, 2,44,000 नए बेड की तैयारी। विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को भरोसा, मंडियों के जरिए पहुंचेगा 1,00,000 करोड़। नहीं रद्द होंगे कृषि कानून, सरकार ने एक बार फिर किया साफ, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ली मंत्रिमंडल की बैठक, कामकाज को लेकर चर्चा हुई। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में है मोदी के दिग्गज, एक के बाद एक ज्यादातर मंत्रियों ने संभाला कामकाज। कामकाज संभालने से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भगवान को याद किया, विधि विधान से पूजा पाठ। मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। नए कानून मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे दफ्तर, नई जिम्मेदारी से पहले बौद्ध भिक्षु से लिया आशीर्वाद। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संभाला कामकाज, तेल की कीमतों पर काबू की है चुनौती। सुबह सुबह दफ्तर पहुंचे नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी और प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। मिनिस्टर साहब का विजन रेलवे के लिए बहुत विराट है, उस पूरे विजन में सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसके लिए सोचना है। अनुराग ठाकुर ने भी संभाला कामकाज, खेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय में जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा, जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पंचायत चुनावों के बाद यूपी में अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल, कई जिलों में नामांकन के दौरान झड़प। बुलंदशहर में हिंसक हुआ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, बीजेपी के दो गुटों के बीच मारपीट के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान मारपीट, आपस में भिड़े बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। सीतापुर में बीजेपी समर्थकों और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच झड़प, गोलीबारी में 3 घायल। फतेहपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान आमने सामने भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थक, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। झांसी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच पत्थरबाजी, नामांकन के दौरान हंगामा। गोरखपुर में नामांकन के दौरान जबरदस्त बवाल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थकों के बीच झड़प। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी ने किया भारी बढ़त का दावा, कहा 826 में से 290 से ज्यादा जगहों पर एक तरफा जीत तय। असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया मिशन यूपी, लखनऊ में ओपी राजभर से मुलाकात की, चुनावी रणनीति पर चर्चा। राजभर के साथ बैठक के बाद ओवैसी ने नहीं किया गठबंधन के सीएम के नाम का खुलासा, बोले अब विकास की राजनीति होगी। उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A2Z अलायंस चलेगा, बस ये बात याद रख लीजिए। बीजेपी ने भी तेज की यूपी में 2022 की तैयारी, लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। 7 दिनों की चित्रकूट प्रवास पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत, राम भद्राचार्य जी महाराज से आशीर्वाद लिया। मेरे यहां आना उचित माना, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। मंत्रिमंडल विस्तार पर यूपी में निषाद समाज नाराज, संजय निषाद की धमकी, अनदेखी होती रही तो गठबंधन को लेकर सोचने को मजबूर होंगे। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ली पद की शपथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। बंगाल में सौरभ गांगुली को लेकर फिर से सियासी चर्चा तेज, जन्मदिन पर दादा के घर जाकर ममता ने बधाई दी, करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। देश में कोरोना के 45,800 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 817 लोगों की मौत। कोरोना टीकाकरण के मामले में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, 3.5 करोड़ का आंकड़ा पार। थाने में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, वैक्सीन का श्रेय लेने को लेकर बवाल।
चित्रकूट पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, साधु संतों को दी राम मंदिर निर्माण की जानकारी। हैक हुआ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट, ग्वालियर में दर्ज कराया गया केस। 11 जुलाई को आएगी योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति, समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों पर फोकस होगा। दिल्ली में पानी के संकट पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के सिरसा में ऊंट और रस्सियों से गाड़ी खींचकर सड़कों पर निकले किसान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी है बवाल, देश के कई शहरों में सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला। अमृतसर में महंगाई के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, सड़क पर सिलेंडर रखकर जाम लगाया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी महंगे पेट्रोल का विरोध, किसानों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर निकाली रैली। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए। गुरुवार को 33 से लेकर 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े पेट्रोल के दाम, डीजल की कीमतों में 9 पैसे का इजाफा। एलपीजी सिलेंडर के बाद दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा, सीएनजी 90 पैसे, पीएनजी 125 रुपए प्रति यूनिट महंगी। एलओसी के बाद फिर साजिश तैयार कर रहा है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के डीजीपी के अनुसार घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं 250 आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी, पुलवामा के एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर किया। सुंदरबनी के दादल इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, जम्मू पूंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। झालावाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क किनारे बनी झोपड़ी में घुसा बेकाबू डंपर, एक परिवार के 5 लोगों की मौत। हनुमानगढ़ में खेलते खेलते नाले में गिरे 2 मासूम, दोनों की मौत। दिल्ली में दिन दहाड़े लाखों की डकैती, बिजली कर्मचारी बनकर 4 युवक घर में घुसे। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के बेसमेंट में आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका, आग पर काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहर में डूबकर 3 सगी बहनों की मौत, गोताखोरों की मदद से बाहर निकाली गई। गुरुग्राम में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी पुलिसकर्मी, ऐप का इस्तेमाल कर बनाया था नकली आई कार्ड। फरीदकोट में 2 छात्रों को पुलिस ने दबोचा, हाईवे पर फैमिली को बंदूक दिखाकर एक परिवार से कार छीनने का आरोप। छपरा में एक शख्स ने पीट पीट कर पत्नी की हत्या की, मामूली विवाद में वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के झज्जर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, अखाड़े में पहलवान की हत्या का है मुख्य आरोपी। राजस्थान के बूंदी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बढ़ा बवाल, स्टेट हाईवे पर गांव वालों ने घंटों जाम लगाया। कोलकाता में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में पुलिस का बड़ा एक्शन, हर की पौड़ी पर हुक्का पीने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बैंक में करीब 7 लाख की लूट, सीसीटीवी में तस्वीरें। राजस्थान के झालावाड़ में गैंग वॉर में युवक की हत्या के बाद हंगामा, सड़कों पर उतरे वाल्मीकि समाज के लोग। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में युवक ने प्रेमिका की भाभी को गोली मारी, एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में नकली सैनिटाइजर गिरोह का भंडाफोड़, 300 लीटर सैनिटाइजर के साथ 4 गिरफ्तार। हाथरस में कंकाल की बरामदगी से हड़कंप, 20 दिनों पहले गायब हुआ था एक शख्स। मुर्शिदाबाद में नशे की बड़ी खेप बरामद, एसटीएफ ने पकड़ा 4 किलो हेरोइन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ है कीमत। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल आवाजाही को लेकर मंडराया खतरा, बागमती नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने से पुल पर बढ़ा दबाव। दिल्ली के रास्ते में है मॉनसून के बादल, मौसम विभाग का दावा, राजधानी में जल्द होगी बरसात। 10 तारीख ऑनवर्ड जो रहेगा वो रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि अभी जो ब्रेकफेस्ट है वो खत्म है, कल से खत्म हो गया। मुंबई में मॉनसून ने लोगों को किया बेहाल, भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव। महाराष्ट्र के विदर्भ में झमाझम बरसात, नागपुर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। मुजफ्फरपुर में जारी है बाढ़ का कोहराम, लगातार बढ़ रहा है बूढ़ी गंडक का जलस्तर, टापू में बदल गए हैं कई इलाके। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावितों के लिए जोरों पर है राहत कार्य, हाईवे पर चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन। छपरा में बारिश से बेहाल अस्पताल, मलेरिया दफ्तर में घुसा पानी।
दार्जिलिंग में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कार्सियांग में दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर नजर आया सैलाब। 486 अंकों की गिरावट के साथ 52,567 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 152 अंक के नुकसान के साथ 15,728 पर निफ्टी बंद। UIDAI की चेतावनी, किसी को किराएदार या नौकरी पर रखने से पहले जरूरी है आधार वेरीफाई करना, सभी 12 नंबर नहीं होते आधार। RBI ने 14 बैंकों पर लगाया 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत बाकी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप। खुदरा और थोक व्यापारियों को MSME के दायरे में लाने के लिए RBI ने जारी की अधिसूचना। 2 जुलाई को मंत्रालय ने जारी किया था आदेश। सोलर पैनल्स की कीमतों में जल्द कमी की उम्मीद नहीं, अगले साल तक मौजूदा स्तर पर बने रह सकते हैं दाम। व्हाट्सएप पर जल्द आएगा मल्टी डिवाइस सपोर्ट का फीचर, एक साथ 4 डिवाइस में कर सकेंगे लॉगिन। अमेरिका के 36 राज्यों ने गूगल के खिलाफ दायर किया मुकदमा। एंड्रॉयड ऐप पर नियंत्रण के जरिए एंटी ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन का आरोप। अब प्रदूषण मुक्त होगा नौकायन, काशी में चल रहा है देश का पहला CNG बोट। समस्तीपुर रेल मंडल में मनाया जा रहा है 66वां रेल सप्ताह, अच्छा काम करने वाले 202 रेल कर्मियों को किया गया सम्मानित। यूरो कप में इंग्लैंड का 55 साल का इंतजार खत्म, सेमीफाइनल में डेनमार्क को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड की जीत के बाद लंदन की सड़कों पर मना जश्न, संडे को इटली के साथ होगा फाइनल मुकाबला। विंबलडन मेंस सिंगल्स सेमीफाइनल के दावेदार तय, नोवाक जोकोविच, हुरकाज, शापोवालव और बेरेटिनी की होगी जंग।